या ग्रेटेस्ट राफेल को यार बर्स्ट कर दिया, बर्स्ट कर दिया क्या। ये आप देख लो इतने सारे बेवलेट को हराया है इसने। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी के रिक्वेस्ट से मैं लेके आ गया हूँ एक और नया बैटल वीडियो। सो आज हम बैटल वीडियो करेंगे लूसीफर दी एंड के साथ। जितने भी मेरे पास बेवलेट है, सारे तो नहीं जितने भी कर पाऊँ आज, सो इसको हैंड स्पिन करेंगे एंड बाकी बेवलेट्स को हम लॉन्च करेंगे। सो देखेंगे हैंड स्पिन में कितने बेवलेट से जीत पाता है एंड लेफ्ट स्पिन के सामने इसे हम राइट में हैंड स्पिन करेंगे एंड राइट स्पिन के सामने इसे हम लेफ्ट में हैंड स्पिन करेंगे। सो देखेंगे कितने बेवलेट से ये जीत पाता है। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड बेवलेट कम्युनिटी को थोड़ा और आगे बढ़ा दो। सो बिना किसी देरी के गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले से हैंड स्पिन कर लेते हैं, फिर लॉन्च करते हैं बेबलेट को। 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं इन्फिनिटी अखिलीस से कैसा जीत पाता है या फिर नहीं हैंड स्पिन में। एंड पहले राउंड में जीत चुका है लूसीफर दी एंड। सो इसके साथ एक एक बेबलेट से दो राउंड करेंगे तो एक और राउंड करते हैं। फिर से कर लेंगे पहले हैंड स्पिन एंड फिर से करेंगे लॉन्च। 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं क्या इस बार भी लूसीफर दी एंड जीत पाएगा इन्फिनिटी अखिलीस से या फिर नहीं। सो देखते हैं क्या होता है। स्पिन स्टीलिंग तो अच्छा खासा हो रहा है एंड फिर से हरा दिया है इन्फिनिटी अखिलीस को हमारे लूसीफर दी एंड ने। सो गाइस, लूसीफर दी एंड पहला बेवलेट जीतता है। सो इसको रखते हैं इस तरफ एंड करते हैं अगला राउंड एंड अभी लॉन्च करेंगे वैलकरी को। 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं क्या वैलकरी जीत पाएगा लूसीफर दी एंड से। वैलकरी हालांकि ठीक से लॉन्च नहीं हुआ था। सो वैलकरी पहला राउंड हारता है, ठीक से लॉन्च नहीं हुआ था। सो इस बार ट्राई करेंगे ठीक से लॉन्च करने का। सो करते हैं अगला राउंड। सो हैंड स्पिन कर लेते पहले इसे, अभी लॉन्च कर। 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं वैलकरी से जीत पाता है या फिर नहीं हमारा लूसीफर दी एंड। स्पिन स्टीलिंग अच्छा खासा हो रहा है एंड इस बार लॉन्च भी ठीक ही किया था मैंने एंड लूसीफर दी एंड फिर से जीत चुका है हैंड स्पिन एंड इसका लिमिट ब्रेकर भी ऑन हो चुका है आप देख सकते हो। सो अच्छा बात है। सो ये भी हारता है लूसीफर दी एंड से। सो इसको रखते हैं इस तरफ। अभी करते हैं हमारे स्लैश वैलकरी से एंड देखते हैं कैसा रहता है एंड अभी इसे हैंड स्पिन कर लेते हैं। 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं स्लैश वैलकरी से जीत पाता है या फिर नहीं हमारा लूसीफर दी एंड। एंड अभी तो लड़खड़ा रहा है थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है गाइस। एंड लूसीफर दी एंड फिर से बाजी मार चुका है। सो आप जैसा कि देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक। सो फिर से करते हैं 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं क्या इस बार भी सेम रिजल्ट रहेगा या फिर स्लैश वैलकरी कमाल दिखाएगा कुछ अपना। लेकिन नहीं गाइस, लूसीफर के सामने सभी फीके पड़ रहे हैं एंड ये भी हार चुका है। एंड अगला करते हैं वॉल्स प्राइजन से। सो वॉल्स प्राइजन को भी लाते हैं एंड अभी से हैंड स्पिन कर लेते हैं पहले एंड लॉन्च करते हैं अभी। अभी लिमिट ब्रेकर पे है हमारा लूसीफर दी एंड एंड देखते हैं क्या लिमिट ब्रेकर पे ही हरा देगा हमारे वॉल्स प्राइजन को, क्योंकि वॉल्स प्राइजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेवलेट है आप सभी को पता होगा। एंड गाइस, वॉल्स प्राइजन को भी हरा दिया है लूसीफर दी एंड ने पहला राउंड। सो गाइज, अगला राउंड करेंगे। सो पहले इसे हम ऐसे कर लेते हैं इसका नॉर्मल मोड में, उसके बाद करते हैं इसको हैंड स्पिन। 3-2-1 लेट इट रिप एंड अभी देखते हैं फिर से बैटल शुरू हो चुका है। सो इस बार क्या होगा, इस बार भी लगता है वॉल्स प्राइजन नहीं हरा पाएगा लूसीफर दी एंड को। सो देखते हैं क्या होता है। एंड वैसा ही हुआ गाइस, लूसीफर दी एंड ने फिर से बाजी मार लिया है। वॉल्स प्राइजन भी हार चुका है एंड अगला करते हैं लूसीफर वेरिएंट लूसीफर से। सो देखते हैं क्या होता है। सो हैंड स्पिन कर लेते हैं इसको, अभी लॉन्च करते हैं। 3-2-1 लेट इट रिप एंड मुझको तो लगता है वेरिएंट लूसीफर से काफ़ी आसानी से जीत जाएगा लूसीफर दी एंड। एंड अगर गाइस थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो चुका है। सो इसी वजह से एंड लगता है ये ड्रॉ हो गया है, उसी वजह से नॉइस आ रहा है। सो उसको इग्नोर करो। सो हमें करना पड़ेगा और राउंड्स, तो देखते हैं। सो गाइस, वेरिएंट लूसीफर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ड्रॉ कर लिया पहला राउंड। सो इस राउंड में देखते हैं क्या कर पाता है वेरिएंट लूसीफर
एंड काफी अच्छे अटैक्स भी हो रहे हैं दोनों के बीच में। इस बार थोड़े से मार्जिन से हमारा लूसीफर दी एंड जीत चुका है, सो पहला राउंड जीतता है हमारा लूसीफर दी एंड। एक और बार करते हैं 3-1 लेट इट रिप एंड फिर से देखते हैं इस बार क्या होता है। ड्रॉ होगा फिर से एंड दोनों का भी पावर मुझे लगता है एकदम इक्वल टाइप का है एंड क्योंकि ये भी स्पिन स्टील करता है लेफ्ट स्पिन बेबलेट के विरुद्ध। फिर से ड्रॉ हो गया, ये भी स्पिन स्टील करता है लेफ्ट स्पिन बेबलेट के विरुद्ध, इसी वजह से लगता है ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो कोई नहीं, 3-1 लेट इट एंड इसको करता है अभी हैंड स्पिन फिर से। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। एक राउंड तो जीता है हमारा लूसीफर द एंड एंड देखते हैं वेरिएंट लूसीफर एंड लूसीफर द एंड जीत चुका है गाइस। सो दो राउंड में भी जीत चुका है, सो ये हारता है। सो ये भी एक भी बेबलेट से अभी तक नहीं हारा है लूसीफर द एंड, सभी से जीता है। अभी इससे करते हैं यूनियन अखिलेश से एंड देखते हैं क्या होता है। सो इसे हैंड स्पिन कर लेते हैं, अभी लॉन्च करते हैं इसको। सो देखते हैं इस बार क्या होता है लूसीफर द एंड। लगता है इसको भी हरा देगा, इसको तो अटैक कर रहा है गाइस। एंड गाइस क्या होगा, फिर से हमारा लूसीफर द एंड भाई कमाल कर रहा है यार, तू तो छा गया यार लूसीफर द एंड, तुमने तो आग लगा दिया, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एंड हारेगा भी नहीं मुझे लगता है। सो देखते हैं क्या होता है। फिर से शुरू हो चुका है घमासान बैटल एंड वीडियो थोड़ा लंबा होगा मुझको पता है, लेकिन मजा भी उतना ही आएगा वीडियो देखने में आपको। एंड वेरिएंट नहीं, लूसीफर द एंड यूनियन अखिलेश को भी हरा चुका है। सो गाइस अभी आप देख लो कितने बेबलेट को हरा है ये, इतने सारे बेबलेट को हरा दिया है। सो एक भी बेबलेट से नहीं हारा अभी एंड अभी इसको हम राइट में स्पिन करेंगे क्योंकि लेफ्ट स्पिन बेबलेट है। 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं वेरिएंट। अरे यार वेरिएंट निकल रहा है, लूसीफर द एंड क्या हरा पाएगा फेफनियर को, मिराज फेफनियर को। सो देखते हैं, देखने के लिए बने रहिए इस चैनल में। अब क्या बोलूं, मेरे मुंह में कुछ आ नहीं रहा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। एंड फिर से हमारा लूसीफर, यार तू क्या कर रहा है लूसीफर, हर बंदे को रुला दिया इसने। अभी तक तो कोई नहीं हरा पाया इसको एंड इस बार भी लगता है फेफनियर नहीं हरा पाएगा। मतलब कमाल ही परफॉर्मेंस है, कमाल का, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे है आपके। एंड इसको भी हरा दिया यार, एक भी बेबलेट अभी तक नहीं जीता है यार। को गाइस पहले इसे लगा लेते हैं ठीक से एंड अभी करते हैं इसे हैंड स्पिन एंड करते हैं इसको लॉन्च। इससे मुझे थोड़ा उम्मीद है रेज लॉन्गिनस से कि वो हरा सकता है क्योंकि उसके अटैक्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर ऑफ बैलेंस कर पाए लूसीफर को सो तभी जाकर जीत सकता है, लेकिन फिर भी लूसीफर के सामने किसी की नहीं चलेगी गाइस। इसने तो लूसीफर ने बता दिया ये, मेरे सामने किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा चलेगा। एंड इस बार चांस है थोड़ा, अभी तक एक भी अटैक नहीं कर पाया है। अटैक नहीं करेगा तो वो स्पिन स्टील भी नहीं कर पाएगा, स्पिन स्टीलिंग होगा ही नहीं, कॉन्टैक्ट होगा तभी होगा ना स्पिन स्टील। एंड अभी कॉन्टैक्ट हो रहा है एंड स्पिन स्टील भी हो चुका है शुरू एंड फिर से जीत चुका है हमारा लूसीफर द एंड। सो ये भी हार चुका है, इतने सारे बेबलेट्स को हरा दिया। अभी थोड़े बहुत डीवी बेस लाते हैं हमारे एंड डीवी बेस से करते हैं। अभी देखो गाइस इनसे एक ही राउंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 3-2-1 लेट इट गो एंड आते ही बर्स्ट हो गया हमारा फिनिक्स नहीं प्रोमिनेंस वेलकरी। सो प्रोमिनेंस वेलकरी हारता है, कैसे बर्स्ट हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन हार गया गाइस। 3-2-1 लेट इट ग्रेटेस्ट रफायल को यार बर्स्ट कर दिया, क्या बर्स्ट था, ग्रेटेस्ट रफायल को भी बर्स्ट कर दिया। अरे यार क्या खतरनाक बर्स्ट था एंड मैं अब क्या ही बोलूँ, मेरे में शब्द नहीं है मुंह में, आप देख सकते हो कितना खतरनाक बेबलेट है यार, हैंड स्पिन में बर्स्ट कर रहा है। सो ये भी हार चुका है, इसको भी रखते इस तरफ। अभी ये तीन बचे हैं, बस इन तीनों से कर लेते हैं। सो एक और बार कर लेते हैं, मैंने इसे लेफ्ट में घुमाना था, लेफ्ट में नहीं किया था, इसी वजह से हो गया था। सो अभी लेफ्ट में किया है, सो देखते हैं लेफ्ट स्पिन में।
तो स्पिन स्टीलिंग होगा। पहले तो स्पिन स्टील नहीं हुआ था, सो उसको हम मतलब क्या बोलते हैं उसे, उसको हम नहीं मानेंगे उस राउंड को, ऑफिशियली उसको हम कैंसिल करते हैं गाइस। एंड लूसिफर द एंड जीत चुका है इससे भी, तो इसको भी रखते हैं अभी। अल्टीमेट वैलकरी क्रेजी वेवलेट, जब मैं हमेशा से बोलता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंड क्रेजी वेवलेट है, कुछ भी कर सकता है। एंड देखते हैं क्या करेगा, ये हरा पाएगा या फिर नहीं। एंड लगता है ड्रॉ हो गया, सो जल्दी से एक और राउंड कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हमको कहीं जाना है, सो जल्दी से कर लेते हैं। एंड देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है, लूसिफर द एंड या फिर अल्टीमेट वैलकरी। एंड लूसिफर द एंड अल्टीमेट वैलकरी को भी हरा चुका है, अभी लास्ट बचा है सेवियर वैलकरी, सो इससे भी देख ही लेते हैं इसको भी हरा पाता है या फिर नहीं। सो पहले इसे हैंड स्पिन कर लेते हैं, अब लॉन्च करते हैं सेवियर को। एंड सेवियर कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता इसके साथ, तब तो जीत जाएगा सेवियर वैलकरी। सो देखते हैं सेवियर वैलकरी अभी कॉन्टैक्ट कर ले, कॉन्टैक्ट हो जाए, एक दो कॉन्टैक्ट हो जाए, नहीं तो रुक जाएगा, रुक जाएगा भाई, रुक गया। अभी भी थोड़ा घूम रहा था, लेकिन अभी रुक चुका है हमारा लूसिफर। तो फिर भी देख सकते हो स्पिन स्टील हो रहा था इसको भी हम, अब क्या ही बोले, इतने सारे वेवलेट से जीता है तो है, एक को एक से हरवा ही देते हैं, कोई बात नहीं। सो गाइस मैं थोड़ा कैमरा, मुझे माफ़ करना, कैमरा थोड़ा घुमा के आपको दिखाना पड़ेगा। सो ये आप देख लो, इतने सारे वेवलेट को हराया है इसने, इस अकेले बंदे ने हराया हैंड स्पिन में, एंड सिर्फ एक से जीता है, गलती से एक ने हराया इसको। सो इतना ही था वीडियो में गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो गया मुझे पता है, सो कर भी कह सकते हैं, मज़ा आया वीडियो को तो लाइक करो वीडियो को, मज़ा आया वीडियो में तो लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लडिंग।